हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चल रही हैं युवराज बैच की क्लासेस और लेक्चर नंबर 21 हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये आज हमारा पार्ट नंबर 21 है और इसमें हम करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का टेस्ट परफॉर्म करेंगे आपके लिए। सो गाइस, वी आर रेडी हेयर विद युवराज विद यू ऑल एंड लेट्स गो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वर्कशीट। ये हमारे पास एक्सरसाइज दी गई है एक्सरसाइज 40, जिसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कवर करेंगे। एंड ऑल यू नो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कोडिंग क्या होता है, सब लोग जानते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था थ्योरी क्लासेस में। चले स्टार्ट करते हैं। वह अपना गृह कार्य कर पूरा कर चुकेगी। शी विल हैव द कंप्लीटेड हिज वर्क। शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। भाई गृह कार्य को होमवर्क बोलते हैं। शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। तो यहां पर युवराज ने पहले जीरो के साथ शुरुआत करी, उसने हिज कह दिया था, बट लड़की है तो हर होगा और होमवर्क। चलिए नेक्स्ट। उसके आने से पहले मैं यह किताब पढ़ चुकूंगा। I will have read this book before। उसके आने के पहले मैं यह किताब पढ़ चुकूंगा। Before he come। यस, देखते हैं। I shall have read this book before he comes। Present tense में आएगा, उसके आने के पहले। जब वह आता है तो before he comes यूज होगा। ओके, I shall have read this book before he comes। मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य कर चुकेगी। मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य कर चुकेगी। He will have completed her homework। देखिए, कंप्लीटेड हर होमवर्क नहीं होगा, ओनली होमवर्क होगा, क्योंकि अपना गृह कार्य नहीं है। शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर आई रीच्ड एट द होम। देखिए आई रीच्ड नहीं होगा, रीच्ड में था आ जाएगा, ये प्रेजेंट हो जाएगा। मेरे आने के पहले आई रीच होम। शी विल हैव डन होमवर्क बिफोर आई रीच होम। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 बजने से पहले हम स्कूल पहुंच जाएंगे। 10 बजने से पहले हम स्कूल पहुंच जाएंगे। We will have reach at school before at 10 o'clock। We shall लगेगा सबसे पहली बात। We shall have reached the school before 10 o'clock। बिल्कुल सही, before 10 o'clock। उसके आने से पहले पिताजी अखबार पढ़ चुकेंगे। The father will have read the newspaper before he comes। Very good, before he comes। The father will have read the newspaper before he comes। Very good, बहुत लाजवाब, बहुत शानदार। अगला, शाम होने से पहले सूरज डूब चुकेगा। The sun has risen। ओहो, चुकेगा है, has नहीं आएगा। The sun will have risen। हाँ, set। The sun will have set। before the afternoon। The sun will have set before evening। Before evening, zero marks मिलेगा इसमें। The sun will have set before evening। Okay? The sun will have set before evening। सुबह होने के पहले हम दिल्ली पहुंच चुकेंगे। We will have reached at Delhi। We shall have reached Delhi before morning। बिल्कुल सही, we shall have reached Delhi before morning। Next, हम 10 बजे तक आगरा पहुंच चुकेंगे। We will have reached at Agra। Reached Agra, at नहीं लगे, reached Agra। By 10 o'clock, 10 बजे तक। ओके, we shall have reached Agra by 10 o'clock। We shall have reached Agra by 10 o'clock। मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकेगी। ट्रेन आने को arrived बोलते हैं। Train will have arrived before I come। रीच स्टेशन, रीच्ड नहीं आएगा। अच्छा,
मेरे आने से पहले, यहाँ पे रीच नहीं लगेगा, एक्चुअली रीच लगेगा, बिफोर आई रीच द स्टेशन, है ना। द ट्रेन विल हैव अराइव्ड, द ट्रेन विल हैव अराइव्ड बिफोर आई रीच द स्टेशन, बिफोर आई रीच द स्टेशन। नेक्स्ट है, तुम्हारे आने से पहले हम दोपहर का खाना खा चुके होंगे। वी विल हैव ईटन द फूड बिफोर यू। चलिए, तो इसमें भी आपको जीरो मार्क्स मिलेंगे, काफी गलत बताया आपने। वी शैल हैव टेकन लंच, दोपहर का खाना, टेकन लंच बिफोर यू कम, बिफोर यू कम। ओके, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लगेगी, बिफोर यू कम। वी शैल हैव टेकन लंच बिफोर यू कम। ओके, सो ये रहा हमारा अफर्मेटिव। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। अब हम नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेगेटिव एक्सरसाइज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के। मेरे सोने के पहले तुम अपना निबंध पूरा नहीं कर चुकोगे। यू विल नॉट हैव रिटन योर, निबंध पूरा करना, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड योर एसे बिफोर आई स्लीप। यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड योर एसे बिफोर आई स्लीप। वेरी गुड, बिल्कुल सही। मेरे स्कूल जाने से पहले वह अपने कपड़े नहीं धो चुकेगी। Her clothes before I go to the school. She will not have washed her clothes before I go to school. बिल्कुल सही। She will not have washed her clothes before I go to school. Next, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं जा चुकेगी। The train will not have gone. Departed. ट्रेन का छूटना, departed. The train will not have departed before he reach station at station. The train will not have departed before he reaches, reach के साथ s या is लगेगा, reaches the station। याद रखिएगा, जब भी आप फ्यूचर की बात करते तो अगर पहला टेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा तो दूसरा वाला प्रेजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा वाला प्रेजेंट। ओके, क्लियर है ना? क्योंकि जब आप फ्यूचर की बात करोगे तो उसमें कंडीशन लगाओगे तो आपके साथ में प्रेजेंट बनेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? हाँ, उसके भोजन करने से पहले हम बाजार से सब्जी नहीं ला चुकेंगे। We will not have brought vegetables from the market before he eat the food. We shall not have brought the vegetables from the market before he eat the food. बिल्कुल सही। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुकेगा। The thief will not have run before the police comes लगे। The thief will not have run away, है ना, भागना, चोर का भागना रन अवे होता है। बिफोर द पुलिस कम मैंने आपको बताया था कि पुलिस का यूज होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के फॉर्म में होता है। ओके, तो यहाँ पर जो पुलिस का यूज है वो प्लूरल के फॉर्म में हो रहा है, तो पुलिस कम, ठीक है ना, सिंगल, एस या एस नहीं लगा, मतलब प्लूरल, है ना, द पुलिस कम। सूर्य छिपने से पहले खिलाड़ी मैदान पर वापस नहीं आ चुकेंगे। Come back in the ground before the sunset. चलिए, the players will not have returned या come back, है ना, return from the ground, है ना, in the ground नहीं, from the ground, है ना। देखिए यहाँ से लिखा है, से, है ना, मैदान से, तो मैदान से का मतलब क्या होता है, from, से का मतलब क्या होता है, from, है ना, return from the ground before the sun sets
सेट्स, सूर्य सिंगुलर है तो सन का डूबना सनसेट्स, तुम्हारे सोने के पहले वे यहाँ नहीं आ चुकेंगे। They will not have come here before you sleep. They will not have come here before you sleep. बिल्कुल सही, they will not have come here before you sleep. बिल्कुल सही, वर्षा होने से पहले हम स्कूल नहीं जा चुकेंगे। They will not have gone to the school before it rains. ओके, वी शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वी शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल बिफोर इट रेंज। वी के साथ शैल लगता है ना, और वर्षा में तो कोई वाली बात नहीं है, इरादे वाली, तो वी शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल बिफोर इट रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल 10 बजे तक कॉलेज नहीं पहुंच चुकेगा। रीच्ड द कॉलेज By 10 o'clock. Rahul will not have reached the college by 10 o'clock. Rahul will not have reached the college by 10 o'clock. तुम्हारे आने से पहले मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुकूंगा। I will not have learned my lesson before you come. I will not have learned my lesson before you come. बिल्कुल सही, very good, before you come. चलिए अब आते हैं interrogative वाले, okay? इंट्रोगेटिव, क्या 10 बजे तक तुम यह कार आसानी से पूरा कर लोगे? Will you have completed this work easily? By 10 o'clock, बिल्कुल सही। Will you have completed this work आसानी से, मतलब easily, by 10 o'clock? क्या तुम सोमवार तक अपना खेत जोत चुकोगे? Will you have plowed your field by Monday? Will you have plowed your field by Monday? Will you have plowed your field सोमवार तक? सोमवार तक 10 बजे तक मतलब by 10 o'clock, और मंडे तक मतलब by Monday। Will you have plowed your field by Monday? क्या तुम 5 बजे तक इस गली में पानी का छिड़काव कर चुकोगे? Will you have sprinkled water in this street by 5 o'clock? Very good, बिल्कुल सही। आपने 5 बजे को 10 कर दिया, बट कोई बात नहीं। Will you have sprinkled water in this street by 5 o'clock? क्या ये लड़कियां शाम तक इस कमरे की सफाई कर लेंगी? Will these girls have cleaned this home this room? This room by evening. By evening. Will these girls have cleaned this room by evening? बिल्कुल सही। क्या हम 5 बजे तक दिल्ली पहुंच चुकेंगे? फाइव ओ क्लॉक, बिल्कुल सही। विल शैल वी हैव, क्या हम की बात करी है तो शैल आएगा। शैल वी हैव रीच्ड दिल्ली बाई 5 o'clock? शैल वी हैव रीच्ड दिल्ली बाई 5 o'clock? ओके, इसमें जीरो दे दीजिए, शैल लगेगा, इसमें विल नहीं लगेगा, है ना। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं कि आप इरादा कर सको, है ना। अफर्मेटिव में इरादा होता है कि हम पहुंच ही जाएंगे। जब आप खुद पूछ रहे हो क्या हम पहुंच चुकेंगे, मतलब आप क्या कर रहे हो, कयास लगा रहे हो, आप उम्मीद लगा रहे हो, आप संशय कर रहे हो आप, हाँ, तो शैल लगेगा यहाँ पे। शैल वी हैव रीच दिल्ली बाई 5 o'clock? ध्यान रखिएगा शैल विल का यहाँ पे। क्या उसके आने से पहले तुम यहाँ से जा चुकोगे? विल यू हैव गॉन बिफोर फ्रॉम हियर बिफोर ही कम? Will you have gone from here before he or she come? बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बरसात होने से पहले हम क्रिकेट खेल चुकेंगे? Shall we have played cricket before it rains? Yes. Shall we have played cricket before it rains? Very nice.
शेल वी हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर इट रेन्स, क्या सूरज निकलने से पहले वह जाग चुकेगी? Will she have awoken या woken up, दोनों चीजें हैं. Will she have awoken before the sun rises, before the sun rises. Will she have awoken, लिख लीजिए थर्ड फॉर्म awoken होती है. Awake, awoke, awoken. Will she have awoken before the sun rises? अगला क्वेश्चन नंबर 9, क्या मेरे स्कूल जाने से पहले पिताजी खाना खा चुकेंगे? Will the father have eaten the food? Will the father have eaten the food before I go to the school? Will the father have eaten the food before I go to school? Very nice, बिल्कुल सही. क्या मास्टर जी के आने से पहले हम क्रिकेट खेल चुकेंगे? Shall we played cricket Shall we have played cricket before the teacher comes. चलिए बहुत बढ़िया. तो ये हो चुका हमारा एक्सरसाइज नंबर 42. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 43 पे. एक्सरसाइज नंबर 43 पे हैं WH टाइप के क्वेश्चन, WH वर्ड के क्वेश्चन. तो स्टार्ट करते हैं. पहला, सूरज छिपने के पहले खिलाड़ी मैदान से वापस क्यों आ चुकेंगे? Why will the players have come returned? Returned. हाँ. Have come back from the field या फिर ground before? हाँ, before sun. Before the sun sets. Before the sun sets. Yes. Why will the players have been come back from the ground before the sun sets? Before the sun sets. बिल्कुल सही. मेरे आने से पहले तुम कहाँ जा चुकोगे? Where will you have gone before I come? Where will you have gone before I come? बिल्कुल सही. Where will you have gone before I come? पिताजी के जाने से पहले मैं गाना कैसे गा चुकूंगा? How will I have sung a song before the father goes. हाँ, How shall I शेल लगेगा, विल नहीं लगेगा, तो रखेगा क्वेश्चन मार्क है. हाउ शेल आई हैव संग अ सॉन्ग बिफोर द फादर गोज, बिफोर द फादर गोज. तुम्हारे आने से पहले मुझसे कौन मिल चुकेगा? वो विल हैव मेट टू मी बिफोर यू कम. वो विल हैव टू मीट मी. यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा गड़बड़ हुआ है. यहाँ पे मेट आएगा. वो विल हैव मेट मी बिफोर यू कम. बंदर के आने से पहले पंछी क्यों उड़ चुकेंगे? Why will the birds have flown before the monkey came. Why will the birds have flown? Flown before the monkey comes. Why will the birds have flown before the monkey comes? मेरे आने से पहले तुम यहाँ क्या कर चुकोगे? What will you have done before I come here? Done here. हाँ, यहाँ. Before I come. What will you have done here before I come? बिल्कुल सही. चलिए, तुम्हारे आने से पहले राधा घर क्यों जा चुकेगी? Why will Radha gone to the home before you go to school? गलत.
तुम्हारे आने से पहले राधा घर क्यों जा चुकेगी? तुम्हारे आने से पहले राधा क्यों जा चुकी थी? Why will have Radha gone to the house? चलिए, Why will Radha have? जीरो दे दीजिए. Why will Radha have gone home before you come? Why will Radha have gone home before you come? Next. मेरे कुछ कहने से पहले वह नाराज हो क्यों हो चुकेगी? Why will she have नाराज हो angry? Why will she have angried before I say anything? Why will Radha have gone? ये तो हो चुका. Why will she have become angry? देखिए, become नाराज होना, तो इसमें आएगा become. क्या होगा? Become नाराज होना. Before I say something, ठीक ना? ठीक है. तुम्हारे स्कूल जाने से पहले अखबार कौन पढ़ चुकेगा? Who will have read the newspaper before you go to the school? Who will have read the newspaper before you go to school? बिल्कुल सही. मेरे कुछ कहने से पहले वह नाराज क्यों हो चुकेगी? ये तो बता दिया ना. Why she have become angry? है ना? देखो, become, क्या होता है? Become. ठीक है. Next, हम 10 बजे तक दिल्ली कैसे पहुंच चुकेंगे? How shall we have reached Delhi by 10 o'clock? How shall we have reached Delhi by 10 o'clock? बिल्कुल सही. How shall we have reached Delhi by 10 o'clock?